अंतिम भाग जीव विज्ञान भाग 7। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे आज लुसेंट जीके की बुक के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ जी सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर पूछे गए जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो इस एक बुक में आज कवर होने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको आज बताऊँगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करवाऊँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और मैं जिस पॉइंट को आज आपको समझाऊँगा उन सभी को आपने अपनी इस बुक में अंडरलाइन करना है। अगर आपने पार्ट 1 भी देख लिया, 2 देख लिया, 3, 4, 5, 6 हिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो देख लिया, ज्योग्राफी का कंप्लीट वीडियो देख लिया आपने इस बुक का, लेकिन अब तक अगर आपने ये बुक परचेज नहीं करी है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बुक परचेज कर लो, बुक में हाईलाइट करो, हाईलाइट करने के बाद में उसके एक एक पॉइंट को रिवीजन करो अच्छे से, उसके बाद में अपने नोट्स बनाइए, देखना फिर आपकी जो GS के साथ में जो आपका 36 का आंकड़ा है ना, जो आपको समझ नहीं आती, GS से डर लगता है, GS आपको लगता है अलादीन का चिराग, हमारी किस्मत में कहाँ GK, अलादीन का चिराग आपको मिलेगा? आपको लगता है कि इस जो ये 2017 चल रहा है इस युग के अंदर अलादीन का चिराग आपके हाथ लगेगा भी? तो ये इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, मेरा कहने का मतलब है अलादीन का चिराग इक्वल में इम्पॉसिबल टास्क, तो ये इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। आप टाइम देंगे तो आप पक्का आपको GS से जो डर है आपका वो ख़त्म हो जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले YouTube की एक छोटी सी गाइडलाइंस, एक न्यूज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैं अधिकांश वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ये न्यूज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो सब्सक्राइबर नए इस चैनल पर जुड़ रहे हैं या फिर जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं और आपने बेल आइकन पर क्लिक नहीं करा है तो तब भी आपको नोटिफिकेशन अब से इस वीडियो का कोई भी नहीं मिलने वाला, तो इसलिए बेल आइकन पर क्लिक करिए, उसके बाद में देखना डेली का एक वीडियो पब्लिश होगा इस चैनल पर, आपको डेली एक वीडियो मिलेगा और उसका नोटिफिकेशन आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या आप समझ गए होंगे, तो मैं शुरू करता हूँ आज का अपना ये वीडियो अंतिम भाग। अब हम बोलते हैं बायोलॉजी को इसी वीडियो के साथ में टाटा बाय बाय। ठीक है, मानव के रोग कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है, इसका परजीवी कौन सा होता है, वाहक जो मच्छर होता है उसका नाम क्या होता है और लक्षण क्या क्या होते हैं। तो हमको 1 से लेकर 5 मलेरिया प्रभावित अंग होता है इसका, तिल्ली एवं RBC, परजीवी का जो नाम है वो है आपका प्लाज्मोडियम, और जो इसका वाहक है वो है एनाफिलीज मच्छर, और ठंड के साथ में बुखार आता है इसमें, रोग है आपका पायरिया, प्रभावित अंग क्या होता है मसूड़े, कहते हैं ना उसको यार पायरिया हो गया, अगर कोई इंसान बोले यार कि मुझको ना पायरिया हो गया, आप सोचेगा पायरिया कौन सा रोग भाई, पायरिया मतलब कि उसका जो है मसूड़ा खराब हो गया, उसमें से खून निकलना स्टार्ट हो गया, जब मसूड़े में कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो यह है आपका पायरिया। और परजीवी का नाम इसमें नहीं पूछेगा आपसे, आपको केवल नाम याद रखना है रोग और प्रभावित अंग कौन सा होता है, ये है आपका केवल SSC मतलब Grade C तक की आप तैयारी कर रहे हैं, Grade D के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर ये याद करना है। अगर आप किसी State PC की तैयारी कर रहे हैं आपको परजीवी का नाम भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, परजीवी का नाम पक्का याद रखना पड़ेगा, साथ में आपको नाम याद रखना पड़ेगा इसका, तो आप SSC में भी कई बार पूछा गया है, मादा एनफ्लीज और CC मक्खी, बहुत नींद के साथ में इसमें क्या आता है बुखार आता है, तो आप ये दोनों पॉइंट याद कर लेना। ठीक है, मादा एनफ्लीज डिपेंड है कम्प्लीटली किस पे, मलेरिया से संबंधित है, और प्रभावित जो अंग है वो है RBC, CC मक्खी, मस्तिष्क पर अटैक करता है, सोने की बीमारी लग जाती है इसमें, तो इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा नींद आती है और कभी कभी बुखार भी आता है। सी का मतलब सोना, CC मक्खी सोना, CC मक्खी बोलती है कि आप सो जाओ आराम कर लो, मतलब बुखार के साथ में आराम करना पड़ेगा। ठीक है, और पेचिस मतलब आंत, और काला ज्वार अस्थि मज्जा, प्रभावित अंग सबसे पहले क्या होता है इसका अस्थि मज्जा होता है, और इसका वाहक जो मच्छर होता है वो होता है बालू मक्खी। मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और काला ज्वार, तो ये आप याद रखना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बीमारी टिटनेस, प्रभावित अंग होता है तंत्रिका, और जीवाणु का नाम है इसका क्लोस्ट्रीडियम। इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली तेज बुखार आता है, शरीर में ऐठन होती है, जबड़ा बंद होने लगता है, और हैजा से प्रभावित जो अंग होता है वो होता है आंत। टाइफाइड में सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है, सबसे ज़्यादा
प्रभाव किस पे पड़ता है टाइफाइड होने का, तो वो होता है आंत में। टाइफाइड में क्या होता है, टाइफाइड में तेज बुखार आता है, सिर में दर्द होता है, हाथ में जान नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि टाइफाइड के इंजेक्शन लगते हैं ना बॉडी में, आपको पता होगा इसके बारे में तो। खैर, और क्षय रोग जो होता है फेफड़े से संबंधित है, इसमें बार बार खांसी के साथ साथ में कफ और रक्त भी निकलता है। डिप्थीरिया श्वास नली से संबंधित है। प्लेग जो है वो है फेफड़ा और कारव, दोनों पैर के बीच में प्लेग। और इसमें तेज बुखार आता है शरीर में, शरीर के साथ में उल्टियाँ वगैरह होती हैं। तो काली खांसी श्वसन तंत्र से संबंधित है। निमोनिया फेफड़े से संबंधित है। मतलब कि कौन सा रोग किस अंग को प्रभावित करता है ये आपको पता होना चाहिए बायोलॉजी के अंतर्गत। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपको मलेरिया पायरिया ये सब आपको पता था, तो उसके साथ में बीमारी या डिजीज जो है उससे प्रभावित होने वाले अंग क्या होते हैं। टाइफाइड के बारे में पता होगा कि जैसे आप डॉक्टर को दिखाते हैं, आप बोलते हैं कि डॉक्टर ये बोलता है कि ठीक है आंत में दिक्कत आ गई ना इसके, तो आंत में स्वेलिंग वगैरह बढ़ जाती है उस टाइम पे। तो टाइफाइड से संबंधित क्या है, आंत है। और जो येलो से मैंने हाईलाइट कर रखा है वो सब अपने अपनी बुक में इसी तरह से हाईलाइट करना है, इन सबको इसी तरह से याद करना है। उसके बाद में 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की। ठीक है, जो टीबी जो डिजीज होती है, बीमारी जो होती है, उसके जीवाणु की खोज किसने करी थी, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन जाता है। जर्मन वैज्ञानिक थे रॉबर्ट कोच ने कॉलरा एवं टीवी, तो ये रॉबर्ट कोच जो नाम है, ये वैज्ञानिक का नाम है, इसने टीवी के जीवाणुओं की खोज करी थी। ये कई बार एसएससी में पूछा गया है आपके। उसके बाद हम बात करते हैं लुई पाश्चर के बारे में। लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका एवं दूध का जो पॉश्चराइजेशन होता है, कितने टेम्परेचर पे दूध को उबाला जाता है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कितने मिनट कितने सेकंड के हिसाब से उबाला जाता है, तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो का नंबर मुझे याद नहीं कौन सा पार्ट था, लेकिन वो कॉमन सी बात है, बायोलॉजी का पार्ट होगा शायद, 4 या 3 ऐसा ही है, वो देख लेना आप अगर आपको आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो अगर आइडिया है तो फिर देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं गंजापन जो होता है, समय से पहले लोगों के बाल जो होते हैं सर से गायब हो जाते हैं, तो यह क्या होता है, टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। ठीक है, इसके लिए कौन सा कवक जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से हमारे क्या होते हैं सिर के बाल गिर जाते हैं, उड़ जाते हैं, तो इसके लिए जो कवक होता है वो होता है आपका टीनिया। ठीक है, टीनिया कैपिटिस। अब हम बात करते हैं बीमारी, बीमारी से प्रभावित अंग, विषाणु का नाम और लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एड्स के बारे में। ठीक है, ये विषाणु मतलब वायरस है, वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी, तो एड्स विषाणु के द्वारा फैलता है। और इसका प्रभावित अंग क्या होता है, इसका प्रभावित अंग होता है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी आरबीसी वाला। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी प्रभावित होता है तो क्या होता है, प्रतिरक्षा जो क्षमता होती है बॉडी की कम हो जाती है, बाहर के कोई भी मतलब जो नेगेटिव जो पॉइंट होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर अटैक कर जाते हैं, हमारी तकलीफें बढ़ती रहती हैं डे बाय डे, हम लोग दुबले पतले हो जाते हैं। अगर बीमारियों का घर हमारा शरीर बन जाएगा तो क्या होगा, बॉडी में वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी। डब्ल्यूबीसी पे सबसे पहले अटैक किसका होता है, एड्स की बीमारी के द्वारा। विषाणु का नाम क्या है, इसका विषाणु का नाम है एचआईवी। और फिर हम बात करते हैं डेंगू ज्वर, क्या बात करते हैं, डेंगू ज्वर संपूर्ण शरीर खासकर सिर आंख एवं जोड़, तो ये सभी जो शरीर के जो अंग हैं ये प्रभावित होते हैं डेंगू से। और विषाणु का नाम है अरबो वायरस। और लक्षण क्या क्या है इसके, आंखों पेशियों सिर तथा जोड़ों में दर्द होता है, तो आपको ये याद करना है। फिर आपको याद करना है पोलियो, पोलियो से आपको पता होगा पोलियो के मास में ये गला रीढ़ नाड़ी संस्थान ये सब प्रभावित होते हैं, तो इसके विषाणु का नाम क्या है, पोलियो, पोलियो से पोलियो। और इसमें क्या होता है, ज्वर, बदन में दर्द, तो ये सब चीजें। अब बात करता हूँ, देखिए इन सब में से अगर आपको पढ़ना है तो आपको ये तीनों चीजें जरूर पढ़नी है, ये चारों चीजें जरूर पढ़नी है अभी तुरंत, ये पढ़िए और इसके बाद इसका विषाणु का नाम पक्का पढ़ लेना, बाकी चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप ये याद कर लीजिएगा 12 नंबर जरूर। ठीक है, मेनिनजाइटिस मस्तिष्क, इसमें आता है तेज बुखार। अब एड्स की फुल फॉर्म क्या है, तो एड्स की फुल फॉर्म आप तुरंत याद कर लेना, इसको आज अभी याद कर लेना, इसको कल पे मत छोड़ना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। फिर हम बोलते हैं एलिसा टेस्ट, जब किसी इंसान को एचआईवी वायरस अटैक करता है उसके ऊपर, तो उसमें होता है एलिसा टेस्ट। तो एलिसा टेस्ट किस चीज से संबंधित है, तो ये एचआईवी वायरस की जांच करने से संबंधित होता है, तो इससे पता चलता है कि व्यक्ति एड्स से पीड़ित है या फिर नहीं है, इसे बोलते हैं एलिसा टेस्ट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार।
तो जो जो चीजें हाईलाइट कराई गई हैं प्यारे बच्चों, आपको केवल और केवल आपको उतना ही याद करना है इस बुक में। तो आप देखना ऑटोमेटिक आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए जेनुअन कॉन्फिडेंस। कुछ बच्चों को लगता है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा सर बताओ इसमें, ऐसे तो हम भी पढ़ सकते हैं। मुझे पता है कि ऐसे आप भी पढ़ सकते हो, आप भी बहुत समझदार बच्चे हो, लेकिन मैं ये उनके लिए बना रहा हूँ जिनको नहीं पता होता कि कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है ना, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो अगर आप इंटेलिजेंस हैं, आप इंटेलिजेंट हैं बहुत ज़्यादा, आपको पहले से हर चीज़ टिप्स पे याद है कि हाँ भी एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एलिसा की फुल फॉर्म क्या होती है, एलिसा टेस्ट क्या होता है, या फिर एड्स से प्रभावित होने वाले विषाणु का नाम क्या होता है, तो आपके लिए ये वीडियो एक्चुअली नहीं है बच्चों, ठीक है। तो क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि सर आप कट टू कट सर कुछ चीज़ें स्किप कराऊँ, कुछ चीज़ें तो दिक्कत होती है बच्चों, कुछ स्किप ना कराऊँ तो भी दिक्कत है। कुछ लोगों को चाहिए कि मैं कंप्लीट हर चीज को, पूरा एक एक चीज को इस येलो से हाईलाइट कर दूं। और अगर मैं हर चीज हाईलाइट करूंगा ना, तो बच्चों इंपॉर्टेंट में आपको पता चल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर तो कुछ नहीं है आपके लिए, फिर मैं केवल एक ही आपको सजेशन दूंगा, वो ये वाला भाई, एक नैरो लैक का, मतलब कोई भी कलर का अपना पेंट ले आओ, उसमें ये वाला ब्रश भिगो तो पूरे पेज पे इसको लपेट डालो, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ढेर मत फोकस मत करिए, आप फोकस करिए केवल और केवल क्वालिटी पर, कितना पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ता हूँ मैं आगे फिलहाल अगले पॉइंट पर, क्योंकि तो मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे हैं, बहुत मेल आ रही है सर आप बहुत कुछ स्किप करवा देते हो सर, मजा नहीं आया वगैरह वगैरह। बाकी देखो मजा तो खैर, अगर मैं आपके सामने पेपर लीक करके आपको समझा दूँ कि पेपर ये आने वाला है कल आपका, तब तो भी उसे मजा नहीं आएगा। तो नुक्स निकालने वाले तो स्वर्ग में भी नुक्स निकाल देते हैं, तो ठीक है आप अपना नुक्स निकालिए, आप अपना काम करिए, एक्चुअली मैं अपना काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एचआईवी पॉजिटिव लोगों के लिए क्या होता है, एक व्यवस्था करी गई है, उस व्यवस्था का नाम क्या है। तो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के लिए एक आर्ट की एक व्यवस्था करी गई है, आर्ट का मतलब होता है एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी, एआरटी की फुल फॉर्म क्या है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया था। एक्चुअली ये फुल फॉर्म पूछी गई थी आपकी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछी गई थी, हाँ यूपी पुलिस के एग्जाम में आर्ट की फुल फॉर्म पूछी गई थी वहां पर। तो ये बुक में था लेकिन बच्चों ने काफी कुछ स्किप कर दिया, फिर हमको लगता है कि यार ये तो आउट ऑफ कोर्स आ गया, ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं, काफी क्वेश्चन डीप आ गया, पेपर काफी डीप था, पेपर डीप नहीं था, अगर कोई बुक आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो कुछ भी डीप नहीं है फिर। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2004 में, और जिस टाइम पे 2004 में ये आया था आर्ट की प्रथा, तो 2009 और 10 में इसका बहुत बोलबाला हुआ था, यूपी के एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में, यूपीपीएससी के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया था यार आर्ट की परफॉर्म क्या है और इसकी कब स्थापना हुई थी, तो आप याद रखना, ठीक है। अब देखिए वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए एक औषधि का प्रयोग करा गया, उस औषधि का नाम क्या है। जैसे आपको पता होता है कि ठीक है सिट्राजिन किस लिए होती है, पैरासीटामोल किस लिए होती है, दवाई के नाम को पता होता है, ठीक है ना। जैसे पैरासीटामोल बुखार वगैरह में काम आती है, डीकोल टोडर आपको पता होता है, सिट्राजिन आपको पता होता है, या फिर सिप्लॉक्स टीजर जब पेट खराब होता है, तो कुछ दवाइयों के नाम को पता होते हैं, टिप्स पे याद होते हैं कि हाँ भाई किसी को बुखार आ गया आप सिंपल बोलते बेटा पैरासीटामोल खा ले। तो अगर किसी को एड्स हो जाए उसके उपचार के लिए उसकी औषधि, वो किस औषधि का प्रयोग करेगा, तो उस औषधि का नाम होता है AZT, ठीक है, एजिडोथाइमिडन, एजिडो थाइमेडन औषधि का प्रयोग करेगा। अब औषधि का नाम भी पूछने लगा है एग्जाम में कि इस एड्स वाले मरीज को अपने उपचार के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग करना चाहिए, तो चार ऑप्शन आपको देगा वहां पे, ये नाम पक्का देगा। अब हम बात करते हैं फिलहाल की डेंगू ज्वर जो होता है वो मादा एडीज एडजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। पहली बात तो मच्छर लिखा हुआ है, मच्छर मच्छर कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, तो ये तो नाम हो गया उसका। अब क्या होता है हमारे देश में डेंगू ज्वर का जो पहला मामला आया था वो आया था 1963 में, डेंगू के बारे में पहले किसी को नहीं पता था, लेकिन जो कैलकटा था, कैलकटा में 1963 में पता लगा कि हाँ भी डेंगू भारत में अटैक करने लगा है। तो डेंगू ज्वर के कारण क्या होता है, मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो प्लेटलेट्स कहाँ से काउंट होता है, उस यंत्र को क्या बोलते हैं, पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको, डिटेल में समझा रखा है सर सारी बातें, बुक में था तो मैंने समझा दिया, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि अगर किसी को डेंगू हो जाए, डेंगू ज्वर किसी को हो जाता है, तो प्लेटलेट्स काउंट करते हैं, प्लेटलेट्स अगर नॉर्मल से बहुत कम आती है, बहुत डाउन हो जाती है, तो उसमें क्या करते हैं प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती है। तो प्लेटलेट्स जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है, अगर लगाओ कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को डेंगू हो गया और उसकी प्लेटलेट्स कम हो गई है, ठीक है। अब वो मेरा दोस्त था, उसका ब्लड ग्रुप ए है, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, ठीक है। अब उसके फादर मेरे पास में आए कि उसको बेटा तेरे फ्रेंड को डेंगू हो चुका है तो उसको खून चाहिए, तो वो ब्लड नहीं बोलेंगे, वो खून नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे उसको प्लेटलेट्स की आवश्यकता है।
तो मैं बिना ब्लड ग्रुप जाने उसको प्लेटलेट्स दे सकता हूँ, मतलब ब्लड में से ब्लड का फिल्ट्रेशन करा जाता है, ब्लड को फिल्टर करा जाता है, उसमें से प्लेटलेट्स निकाली जाती है, तो प्लेटलेट्स का ब्लड ग्रुप से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई हमसे ब्लड मांगता है तो ब्लड ग्रुप सेम मैच होना चाहिए, लेकिन प्लेटलेट्स वाले केस में ब्लड ग्रुप सेम नहीं भी होगा तो भी चलेगा। राइट, मेरी बात को समझ गए? आई थिंक आप लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं फिलहाल कलर ब्लाइंडनेस कौन कौन से रंगों के द्वारा उत्पन्न होती है। तो इसमें रोगी को लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है, बाकी कलर वो पहचान लेता है लेकिन लाल और हरा रंग वो नहीं पहचान पाता। उसके बाद हम बात करते हैं कि डाउन्स जो सिंड्रोम होता है वो क्या होता है। इस रोग से ग्रसित लोग मंदबुद्धि हो जाता है, आंखें टेढ़ी हो जाती हैं, जीभ मोटी हो जाती है तथा अनियमित शारीरिक ढांचा बन जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य रोग, लकवा, पैरालिसिस, पक्षाघात। ठीक है, पैरालिसिस मतलब कि एक साइड का पूरी बॉडी का अंग क्या होता है काम करना बंद कर देता है। जैसे बाबा रामदेव के बारे में आपको पता होगा, उनका पैरालिसिस हुआ, उसके बाद में इन्होंने रिसर्च करी बॉडी के ऊपर की बॉडी के लिए कौन कौन सी योगा काफ़ी बेनिफिशियल है, और आज देखो उनको पैरालिसिस कभी हुआ था अब लगता भी नहीं है उनकी बातों से, उनके देखने से, उनके हाव भाव से, उनके चलन से, जब वो चलते हैं तो देखिए मतलब बहुत जल्दी उन्होंने रिकवर करा था और इसके बाद ही उन्होंने योग को अपनाया था, ऐसा कहते हैं। तो इस रोग में क्या होता है, कुछ ही मिनटों में शरीर के आधे भाग को लकवा मार जाता है जिसे बोलते हैं पक्षाघात, और वहां की तंत्रिकाएं पूरी तरह से क्या होती हैं, खत्म हो जाती हैं। ठीक है, नर्व सिस्टम, तंत्रिकाएं, कोशिकाएं, सेल वगैरह ये सब क्या होंगी, नष्ट हो जाएंगी, और उसके बाद में मतलब वो बॉडी का पार्ट काम ही नहीं करेगा, तो इसको बोलते हैं लकवा। उसके बाद में बात करते हैं सिज़ोफ्रेनिया, सिज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, सिज़ोफ्रेनिया बोलते हैं कुछ लोग, यह एक मानसिक रोग है। सिज़ोफ्रेनिया किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये आपके सामने चार ऑप्शन होंगे, आंख, मस्तिष्क, ठीक है ना, हाथ या फिर यकृत, इस टाइप का ऑप्शन देगा। तो ये मस्तिष्क का रोग है जो प्राय युवा वर्ग में होता है। ऐसा रोगी कल्पना को ही सत्य समझने लगता है, मुंगेरी लाल के सपने देखने लगता है, ठीक है, और वास्तविकता को नहीं मानता, तो इसको बोलते हैं सिज़ोफ्रेनिया। तो ऐसे में क्या होगा, अगर बैठे बैठे कोई सपना देखेगा तो वो इंसान क्या हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। ऐसे रोगी आलसी होते हैं, अलगावहीन होते हैं, आवेशहीन होते हैं, विद्युत आक्षेप चिकित्सा इसमें काफी सहायक होती है। मतलब उसको क्या मिलता है, शॉर्ट मिलता है, करंट लगता है उसके माइंड में, तब जाके वो उस चीज से बाहर आता है। आपने मूवी देखी होगी तेरे नाम, शायद सलमान खान की मूवी थी ना ये, तो उसमें विद्युत मतलब कि वो कल्पना में बिल्कुल ही खोए रहता है, उसमें दिखाया गया काफी अच्छे तरीके से कि यार ठीक है एडमिट कैसे होता है, पेशेंट की फॉर्मेलिटी क्या क्या होती है, तो इस तरह की मूवी से भी कुछ सीखिए, उसको सिज़ोफ्रेनिया काफी भयंकर था। अब हम बात करते हैं मिर्गी के बारे में। देखिए इसे हम बोलते हैं अपसमार रोग कहते हैं, यह मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण होती है, और इस रोग में जब दौरा पड़ता है, एक्चुअली एपिलेप्सी बहुत ही दिखते समय ना बड़ा अजीब लगता है, जब किसी को मिर्गी पड़ती है, दौरे पड़ते हैं ना, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो मुंह से झाग निकलते हैं और मल पेशाब मतलब जो भी होता है मतलब करके ही वो त्याग देता है उस समय, मतलब कि मिर्गी के टाइम पे उसको संभालना, उसका शरीर अकड़ से जा जाता है, तो ये कंडीशंस भी काफ़ी बुरी कंडीशंस होती है। जैसे सिज़ोफ्रेनिया काफ़ी दुखदायी एक रोग होता है, तो उसी तरह से क्या होता है आपका ये मिर्गी भी काफ़ी बुरा रोग होता है। आगे हम बात करते हैं कैंसर के बारे में। देखिए मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग में त्वचा से लेकर के अस्थि तक यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो तो उसके लिए परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में अनियमित गुच्छा बन जाता है। इन अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को ही हम कहते हैं कैंसर। और कैंसर कितने प्रकार का होता है, आप केवल चार प्रकार का कैंसर होता है, इसको आप याद रखिएगा। कैंसर की भी अलग अलग स्टेज होती है, ठीक है, अगर होगा कार्सिनोमास कैंसर तो इसकी उत्पत्ति जो होती है उपकला उत्तकों से होती है। बात करेंगे सार्कोमास कैंसर जो होता है, यह कैंसर संयोजी उत्तक अस्थियां उपस्थियों एवं पेशियों से होता है। फिर हम बोलते हैं ल्यूकेमियास, यह ल्यूकेमाइट्स में असामान्य वृद्धि के कारण होता है। लिम्फोमास, यह कैंसर लसिका गांठों एवं पिलिया के द्वारा होता है। फोर्थ काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, फोर्थ आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि रेडियो सक्रिय स्ट्रॉन्शियम 90 के कारण अस्थि कैंसर हो जाता है। किसके कारण अस्थि कैंसर होता है, तो वो है आपका क्या, रेडियो सक्रिय स्ट्रॉन्शियम 90। और इटाई इटाई नामक रोग किसके कारण होता है, ये होता है कैडमियम के कारण, याद रखिएगा कैडमियम के कारण।
और उसके बाद हम बात करते हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाएं क्या क्या काम करती हैं। तो एस्ट्रोनॉमी आपको याद करना है, एस्ट्रोनॉमी में यह खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान की एक शाखा होती है। फिर हम बात करते हैं सिरेमिक्स के बारे में, यह टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करती हैं। सेरामिक आपको याद होगा, सेरामिक मतलब मिट्टी से संबंधित है, तो इस मिट्टी के बर्तन का अध्ययन किसमें होगा, तो ये होगा सेरामिक के अंदर। अगला है कीमोथेरेपी, एक्चुअली कीमोथेरेपी थोड़ा सा एक चिकित्सा विज्ञान है, वह शाखा जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार करा जाता है। और जो सीनियर जो लोग होते हैं जिनकी उम्र 50 से ऊपर होती है, तो कीमोथेरेपी वो झेल नहीं पाते हैं, तो कहते हैं बुजुर्गों की कीमोथेरेपी हो रही है तो कहते हैं बहुत ही डेंजर चीज़ है, तो यार मतलब इस उम्र में मत कराओ, इवन डॉक्टर भी मना कर देते हैं। पता है कि इलाज मतलब कि बॉडी को जो कीमोथेरेपी होती है झेलने की पावर होनी चाहिए, उम्र के साथ में ये पावर घट जाती है। डॉक्टर खुद कहते हैं कि ये कीमोथेरेपी जरूरी है लेकिन आप मत ना कराएं तो ज़्यादा अच्छा है, इसमें इनकी जान को रिस्क बनेगा बहुत ज़्यादा, तो लोग कीमोथेरेपी नहीं करवाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं जियोलॉजी। जियोलॉजी में क्या होता है, भूगर्भ संबंधी अध्ययन, इसकी बनावट संरचना आदि का अध्ययन इस विज्ञान के अंदर होता है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में फल फूल वे साग सब्जी उगाने, बाग उगाने, पुष्प उत्पादन का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा ही किया जाता है। होरोलॉजी, होरोलॉजी में क्या होता है, यह समय मापने वाला विज्ञान होता है। समय मापने वाला विज्ञान क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं होरोलॉजी। ओरंटोग्राफी, ओरंटोग्राफी दांत का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की यह एक शाखा होती है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी यह विज्ञान फलों के अध्ययन से संबंधित होता है, मतलब कि फलों के अध्ययन वाले विज्ञान को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोमोलॉजी। और सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी विज्ञान की इस शाखा द्वारा भूकंपों का अध्ययन करा जाता है। कॉस्मोग्राफी, देखिए आपको केवल इतना ही पढ़ना है जो मैंने येलो कर रखे हैं, ठीक है, मैं अगेन बोल रहा हूँ आपसे, कॉस्मोग्राफी होता है, कॉस्मोग्राफी इस शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। सेरीकल्चर, इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े के पालन और उनसे रेशम के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं विविध के बारे में, चिकित्सा संबंधी आविष्कार किसने करे थे, विटामिन का आविष्कार करा था फंक ने, ठीक है, और पोलियो वैक्सीन का जो आविष्कार करा था जॉन ई सॉल्क ने, बैक्टीरिया का आविष्कार करा था लिउ वेन हॉक ने, और इंसुलिन का आविष्कार करा था बेंटिंग ने, और चेचक का टीका का आविष्कार करा था एडवर्ड जेनर ने, पेंसिलिन का आविष्कार किसने करा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, अलेक्जेंडर कभी कभी बोलता है, अलेक्जेंडर कभी कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं देगा, आपको देगा फ्लेमिंग, तो फ्लेमिंग का नाम आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं प्रमुख चिकित्सीय उपकरण क्या क्या होते हैं। पेसमेकर, एक्चुअली पेसमेकर किस लिए यूज होता है, पेसमेकर होता है कि हृदय की गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु इसका प्रयोग करा जाता है। और फिर होता है सिटी स्कैन, सिटी स्कैन का सिटी जो होता है सी और टी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो संपूर्ण शरीर में किसी असामान्य या विकृति का पता लगाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं एमआरआई, ठीक है, एमआरआई की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी गई थी, अगर आपने कभी मॉक टेस्ट वगैरह दिए होंगे ना तो आपको इसके बारे में पता होगा, ये क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, या फिर रियल एग्जाम ग्रेड डी का एग्जाम आपने दिया होगा तो एमआरआई की फुल फॉर्म आपसे पक्का पूछी होगी। तो एमआरआई की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, इमेजिंग, तो ये इसकी फुल फॉर्म थी। और इसके द्वारा क्या होता है, संपूर्ण शरीर में असामान्य या विकृति का पूर्णतः सही एक्सटर्नल एक्यूरेट पता लगाया जाता है। एमआरआई फुल फॉर्म याद रखना, फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। सीटी स्कैन की क्या थी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और पेसमेकर से क्या होता है, हृदय गति कम हो जाने पर इसको नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए अपने हृदय को, तो इसका प्रयोग करा जाता है। तो बस बच्चों, उसके बाद में हम बात करेंगे कुछ सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु कौन सा होता है, ये होता है चीता। और स्वप्न के अध्ययन को, स्वप्न मतलब कि ड्रीम, सपने, सपने के अध्ययन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ऑनिरोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑनिरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, इसमें होता है सपने का अध्ययन। और मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कैलोलॉजी, कभी कभी कैलोलॉजी के बारे में पूछ लेता है। जीवन की उत्पत्ति के समय में क्या नहीं था, ठीक है, उस समय क्या था, ऑक्सीजन नहीं था, उस समय पानी था। कभी कभी एक्चुअली जो सीजर के लेवल पे कुछ इंटरव्यू वगैरह होते थे ना, तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते थे कि अगर एक तरफ आपसे बात करी जाए, आपसे मैं ये कहूँ कि आपको लाइफ में या तो ऑक्सीजन मिलेगा या मिलेगा पानी,
तो आप किस में रहना पसंद करेंगे? तो सबसे पहले मैक्सिमम लोग कहते थे ऑक्सीजन जरूरी है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन वास्तव में पानी से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। पानी में बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन नॉर्मल जो हमारे वेदर में तो बाद में आया, पहले पानी में ही ऑक्सीजन था, वहीं से ये ऑक्सीजन उठ करके हमारे वातावरण तक फैला। तो ठीक है, जीवन की उत्पत्ति के समय में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन पानी तो था, पानी में तो ऑक्सीजन था, तो इसलिए पानी था ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए ये चीज हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये आपने देख लिया ऑक्सीजन नहीं था, ये भी आप थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। और शरीर में सबसे मजबूत तत्व दांतों में क्या होता है, वो होता है एनामेल। और उसके बाद हम बात करते हैं कि पॉइंट नंबर 12 पढ़िए, देखिए, एक बार सांस अंदर लेने में सामान्य वेशक लगभग 500 मिलीलीटर हवा क्या करता है, अंदर की ओर लेता है। ठीक है, तो बच्चों बस आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, और आपके कोई भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और आप कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो पेटीएम के माध्यम से आप इस चैनल को कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पेटीएम नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बायोलॉजी इसी के साथ होती है समाप्त। धन्यवाद, और अगेन आपसे बोलूँगा बुक परचेज नहीं करिए तो मार्केट से जाके परचेज कर लो।